हेलो एवरीवन, आज हम कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम एंड स्टडी ऑफ इंटेग्यूमेंट्री डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर स्पेशली हमें स्केल्स, फेदर्स, हॉर्न्स और हूब्स के एग्जांपल्स के बारे में पढ़ना है। अब सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से कि एनाटॉमी का क्या मतलब होता है या कंपैरेटिव एनाटॉमी से हम क्या समझते हैं। तो जैसे कि आप पहली लाइन पे देख पा रहे हैं कि एनाटॉमी का मतलब होता है किसी भी एनिमल के स्ट्रक्चर की स्टडी करना, उसके ऑर्गन के स्ट्रक्चर की स्टडी करना। जबकि अगर हम कंपैरेटिव एनाटॉमी की बात करते हैं तो इसमें हम बहुत सारे एनिमल के ग्रुप्स के बीच में उनके स्ट्रक्चर्स के कंपेयर करके हम स्टडी करते हैं। इसमें उनके स्ट्रक्चर की लोकेशन और उनके स्ट्रक्चर दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। साथ ही हमें फाइलोजेनेटिक सिमिलैरिटी या उनके ओरिजिन के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कराता है, या उनके जो भी स्ट्रक्चर्स हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं उनके मॉडिफिकेशन के बारे में ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है। इसके अलावा हमें ये पता है कि सारे ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन के थ्रू इवॉल्व हुए हैं, यानी वर्टिब्रेट्स में अगर हम फिश से मैमल्स तक देखें तो उनमें बहुत ज़्यादा होमोलॉगी या उनका आर्किटेक्चरल जो प्लान है वो एक जैसा ही होता है। और साथ ही ये हमें ये स्टडी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन और जिससे या तो फिर स्पीशीज़ या स्पीशिएशन के बारे में भी नॉलेज प्रोवाइड कराती है। अब इंटेग्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो इंटेग्यूमेंट्स यानी जिसे हिंदी में हम अध्यावरण कहते हैं या त्वचा जो कहते हैं, वो किसी भी एनिमल या ऑर्गेनिज्म की बॉडी को आउटर मोस्ट कवरिंग से हम जानते हैं। जो सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है उसे हम इंटेग्यूमेंट, अध्यावरण या त्वचा कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है जो फर्स्ट और सेकंड लाइन में ऑलरेडी मेंशन है कि जो इंटेग्यूमेंट होते हैं वो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है किसी भी एनिमल बॉडी की। और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं या व्युत्पाद हैं या बाय प्रोडक्ट्स हम जिन्हें कहते हैं, तो वो स्किन में या इंटेग्यूमेंट्स में पाए जाने वाले पार्ट्स होते हैं जो स्किन जो बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्किन सिर्फ बॉडी की कवरिंग तक ही सीमित नहीं रहती है, इसके अलावा जो हमारे आईबॉल की कंजक्टाइवा है, हमारे ईयर ड्रम्स की जो एक्सटर्नल सरफेस है, और जो माउथ, रेक्टम, नॉस्ट्रल, आईलेट्स और यूरिनोजेनिटल डक्ट्स के जो भी एपिथेलियल लाइनिंग होती है वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं कि कैसे इंटेग्यूमेंट के फंक्शंस काम करते हैं। तो सेकंड लाइन में मेंशन किया गया है कि दैट इज़ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मींस ये बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसीलिए ये कोटेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यानी बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो सबसे पहले इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन। सबसे पहले जो स्किन काम करती है वो हमारी बॉडी को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करके एक कांस्टेंट इन्वायरमेंट को बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि जो भी बाहर के टेम्परेचर या किसी भी टाइप के फैक्टर हैं वो हमारे इनसाइड बॉडी को एक्ट ना कर सकें। इसके अंदर पहले पॉइंट में ये मेंशन किया गया है कि किस तरह से ये मैकेनिकल और केमिकल इंजरीज से हमको सेफ करके रखती है, किसी भी एनिमल्स को सेफ करते हैं। अगर मैकेनिकल इंजरीज की बात करें तो इसमें प्रेशर, फ्रिक्शन, ऑब्लोस एक्सेट्रा आते हैं, जबकि कुछ हार्मफुल गैसेस, लिक्विड्स, फ्लूइड्स जो केमिकल इंजरीज कॉज कर सकते हैं, इससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है। सेकेंड पॉइंट में इसके डेरिवेटिव्स के बारे में बताया गया है, यानी बाय प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि स्केल्स, बॉनी प्लेट्स, फैट लेयर, फेदर्स, हेयर्स, जो कि वेरियस वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। और ये सारे के सारे डेरिवेटिव्स वहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। ये सब जो भी इंजरी का फोर्स है या बॉडी में पड़ने वाला एक्सेस फोर्स है उससे हमें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। साथ ही साथ ये डेरिवेटिव्स जो बॉडी के मॉइस्चर है या बॉडी के अंदर जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको बॉडी के बाहर जाने से रोकते हैं, और हार्मफुल बैक्टीरिया या किसी भी माइक्रोब्स को बॉडी के अंदर आने से भी रोकते हैं। चलते हैं स्लाइड की ओर। इसमें थर्ड पॉइंट जिसमें
ऑफेंस और डिफेंस के लिए जो भी डेरिवेटिव्स हैं, जैसे पैलेज है, प्लमेज है, ब्रिसल्स हैं, स्पाइन, क्लॉज, नेल्स, हूव्स, एंटलर्स, ये सारे के सारे जो डेरिवेटिव्स हैं स्किन के, यानी बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये ऑफेंस और डिफेंस यानी प्रतिरक्षा के लिए काम, सॉरी प्रतिरक्षा नहीं, रक्षात्मक कवच के रूप में काम करते हैं। फोर्थ पॉइंट पे मेंशन किया गया है कि कुछ प्रोटेक्टिव कलरेशन होते हैं, यानी कैमोफ्लेज, इस तरह से बॉडी के कलर को रिप्रेजेंट कराना ताकि वो एनिमी से हमको प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सके। स्किन पिगमेंट्स जो फिफ्थ पॉइंट में मेंशन किए गए हैं, कुछ स्पेशल स्किन पिगमेंट्स होते हैं जो सोलर से रेडिएशन होने वाले रेडिएशन को कन्वर्ट कर देते हैं या किसी तरह से हमारे हार्मफुल इफेक्ट को उनके हार्मफुल इफेक्ट को कम कर देते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि जो यूवी रेज आती हैं जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल हैं, जो स्किन के पिगमेंट्स हैं वो उसको विटामिन डी के रूप में कंजर्व करके रख लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो लोकोमोशन को हम थ्री फॉर्म्स में यहाँ पर मेंशन करना चाहेंगे। फर्स्ट आप स्विमिंग एंड सेकेंड इज़ क्लाइंबिंग एंड थर्ड वन इज़ फ्लाइंग। तो किस तरह से स्किन इसमें हेल्प करता है, तो पहले स्विमिंग में जो भी डर्मल फिन रेज होती हैं फिन फिशेस के फिन में, या जो भी स्किन वेब्स होते हैं फ्रॉग्स में, टर्टल्स में, या कुछ एक्वेटिक बर्ड्स में, ये सारे स्किन के मॉडिफिकेशन हैं जो कि स्विमिंग के लिए हेल्प करते हैं। इसके बाद क्लाइंबिंग में अगर हम देखें तो कुछ एम्फीवियंस में एडहेसिव पैड्स होते हैं, और जो एमनियोड्स हैं या हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें क्लॉज पाए जाते हैं जो इनको ईजिली क्लाइम करने के लिए हेल्प करते हैं। इसके बाद थर्ड है जो हमारा पॉइंट है, दैट इज़ फ्लाइंग। फ्लाइंग की अगर हम बात करें तो बर्ड्स में जो विंग्स होते हैं, फैदर्स से ढके हुए विंग्स होते हैं, उनमें शॉर्ट टेल पाई जाती है। इसके अलावा हम बात करें बैट की, या जो फ्लाइंग लिजर्ड्स हैं या स्क्विरल्स हैं, इनमें एक पटैजिया बनता है जो कि हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब के बीच में स्किन का ही एक मॉडिफाइड रूप होता है जो इनको फ्लाइंग में हेल्प करता है। अब सेकेंड आता है हमारा डर्मल एंडोस्केलेटन, यानी डर्मल से या डर्मिस से बना हुआ जो बाहें कंकाल है, बाहें कंकाल जो हमारी बॉडी को या किसी भी एनिमल की बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम कर सकते हैं। तो जैसे कि इसमें दिया है कि स्किन में जो डर्मल आर्मर्स हैं, जैसे कि कुछ एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में यहाँ पर मेंशन किया है, जैसे ऑस्ट्रैकोडर्म्स, प्लैकोडर्म्स जिन्हें हम आर्मर्ड एग्नेथन्स, और आर्मर्ड जो प्रिमिटिव फिशेज हैं प्लैकोडर्म्स, उनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इनकी बाहर की बॉडी का जो कवर है, एक कवच है, वो डर्मल आर्मर से बना होता है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही अभी अगर हम जो एक्सटेंट या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि स्टर्जन फिशेस एंड क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स, इनकी बॉडी के ऊपर का जो आर्मर है वो डर्मिस से ओरिजिनेट होता है, यानी डर्मल से बना होता है। इसके अलावा जो डर्मल एंडोस्केलेटन है वो हेड में और शील्ड्स के फॉर्म में, ब्रेन और सेंस ऑर्गन के रूप में ऊपर से कवरिंग के रूप में पाया जाता है, जो स्नेक में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इन सब चीज़ों से जो भी ये प्रोटेक्टिव थिंग्स हैं, ये जो भी सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें पड़ने वाले प्रेशर को कम करने का काम करते हैं, क्योंकि इनकी जो भी लाइफ स्टाइल है या जो हैबिट एंड हैबिटाट है वो उसके अकॉर्डिंग ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इज बेस्ड अपॉन द सिक्रीशन, यानी स्रवण, किस प्रकार के स्रवण स्किन करती है और वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में म्यूकस ग्लैंड के बारे में डिस्कशन किया गया है। म्यूकस ग्लैंड कुछ एक्वाटिक जो एनिमल्स हैं जैसे फिश, फ्रॉग, इनमें इनकी स्किन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जो स्किन को मॉइस्ट रखने का काम करते हैं, स्लिपरी रखने का काम करते हैं। साथ ही ये एंटी माइक्रोबियल की तरह एक्ट करते हैं, यानी जो भी माइक्रोब्स हार्मफुल माइक्रोब्स हैं वो इन्हीं में ट्रैप होकर के बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं, अल्टीमेटली बॉडी के अंदर नहीं जा पाते हैं। सेकंड पॉइंट में पॉइजनस विटर या ऑफेंसिव सिक्रीशंस के बारे में बात की गई है, जो कि इस तरह के सिक्रीशन से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एनिमीज से खुद को प्रोटेक्ट करके उनसे भागने के लिए यूज़ करता है। बर्ड्स की अगर हम बात करें तो इसमें थर्ड पॉइंट में मेंशन किया गया है यूरोपाइजल ग्लैंड, जो कि बर्ड्स के पोस्टीरियर एब्डोमिनल पोर्शन में प्रेजेंट होती है, और ये वैक्स का सिक्रीशन करती है। यहाँ पर स्लाइड में
आपकी बुक में, क्योंकि ऑयल मेंशन किया गया है, एक्चुअल में वो वर्ड वैक्स, वो वैक्सी सिक्रीशन होता है जो कि प्रीनिंग का काम करता है, यानी फैदर्स में वो वैक्स को लगा देते हैं ताकि उनके उनके फैदर्स में जो भी पड़ने उड़ने के दौरान या कभी भी जो प्रेशर पड़ने वाला है या फोर्स पड़ने वाला है उससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। अगर मैं अब सीबेशियस ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो इससे ऑयल जैसा सिक्रीशन होता है या ऑयली सिक्रीशन होता है, जो जो भी स्किन और हेयर हैं उसको लुब्रिकेट करने का काम ये करता है। मैमल्स में ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो सीबम, जो कि सीबेशियस ग्लैंड से जो सिक्रीट होने वाला सीबम है, उसमें कुछ स्पेशल फैटी एसिड और लैक्टिक एसिड होते हैं जो कि पीएच को फ्लक्चुएट करने का काम करते हैं या ये लो पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं, जिससे जो भी माइक्रोब्स आकर के स्किन में ट्रैप होते हैं उनकी अल्टीमेट डेथ हो जाती है और आगे वो कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये जो मेमरी ग्लैंड है, दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स अंडर द सिक्रीशन। तो मैमरी ग्लैंड्स जो है मैमल्स का एक स्पेशल कैरेक्टर है जो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिससे वो जो भी यंग वंस होते हैं उन्हें एक पर्टिकुलर स्टेज तक नरिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा सेंट ग्लैंड की अगर हम बात करें तो इसमें स्पेशल टाइप के ऑर्डर्स होते हैं जो कि अपोजिट सेक्स को या मेटिंग सेलेक्शन के लिए यूज़फुल होते हैं। अब जो लैक्रिमल ग्लैंड है, यानी जो आंसू ग्रंथि है जिससे आंसू निकलते हैं, टीयर्स निकलते हैं, ये समटाइम्स जो है आईबॉल की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग कंजक्टाइवा है उसकी वॉशिंग या उसकी क्लेंजिंग के लिए यहाँ पर काम आती है। नेक्स्ट पॉइंट में आप देख पा रहे हैं कि जो ऑडिटरी मीटर्स है, जो ईयर ड्रम की बाहर की लेयर है, उसमें से ईयर वैक्स का सिक्रीशन भी एक स्किन का ही मॉडिफिकेशन है, जिसे हम इस ईयर वैक्स को हम सेरुमेन के नाम से बोलते हैं। तो ये ईयर वैक्स जो है इस ईयर ड्रम को ग्रीस करता है, उसको लुब्रिकेट करने का काम करता है। साथ ही अगर कोई इंसेक्ट या कोई स्मॉल ऑर्गेनिज्म अगर इस कैनल के अंदर आ जाता है तो वो इसमें आकर के ट्रैप हो जाता है और आगे एंटर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट स्लाइड है फूड स्टोरेज। सील या व्हेल्स जो कि कुछ ऐसे एमल्स हैं, मैमल्स हैं जो कि एक्वाटिक फॉर्म्स में रहने वाले होते हैं और कोल्ड क्लाइमेट में रहने वाले होते हैं, तो इनके बॉडी के स्किन के नीचे एक बहुत ही मोटी फैटी लेयर बन जाती है जिसे हम ब्लबर के नाम से जानते हैं। और ये ब्लबर एक इंसुलेशन यानी एक जैकेट की तरह काम करती है इन ऑर्गेनिज्म में, और साथ ही ये रिजर्व फूड का फॉर्म होती है जो काफ़ी लंबे समय तक ये अगर खाना नहीं भी खाते हैं तो उनको एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करती है। साथ ही जो एनिमल्स हाइबरनेशन यानी विंटर स्लीप या शीत निद्रा में जाते हैं, सर्दियों के टाइम में इनएक्टिव हो जाते हैं और या माइग्रेशन के लिए कहीं जा रहे होते हैं, तो वो बहुत सारे फैट को अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं ताकि वो ड्यूरिंग द पथ जो भी उनके रास्ते में उनको एज अ फूड वो सर्व कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करते हैं तो दैट इज़ बेस्ड अपॉन टेम्परेचर कंट्रोल या थर्मो रेगुलेशन। जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं एनिमल्स में फर फैदर्स इसके लिए इनकी बॉडी को इंसुलेट करने का काम करते हैं, जिससे जो भी बॉडी की हीट है वो कोल्ड क्लाइमेट में बाहर की तरफ नहीं जा पाती है। साथ ही अगर हम बात करें तो स्पेशल टाइप की कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें स्वेट ग्लैंड्स, स्वेद ग्रंथि हम कहते हैं, जो आपकी बॉडी में जो भी पसीने के निकालने या स्वेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो इससे जो भी एक्सेस ऑफ हीट है वो इवेपोरेशन के थ्रू बॉडी के बाहर निकाल दी जाती है समर के टाइम पे या गर्मी के टाइम पे। इसी के साथ ही ये जो प्रोसेस होती है इंटेग्यूमेंट्री जो ब्लड वेसल्स होते हैं या स्किन में आने वाले ब्लड वेसल्स होते हैं, ये अपने आप को डायलेट कर देते हैं या फैल जाते हैं, जिससे जो स्किन है एज अ रेडिएटर वर्क करती है और जो एक्सेस ऑफ हीट है ब्लड वेसल्स से वो बाहर की तरफ मूव कर जाती है। साथ ही अगर इन्हें इस हीट को कंजर्व करके रखना है तो ये डायलेशन के अपोजिट वहाँ पर इन ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, संकुचित करने का काम कर लेते हैं, सिकुड़ जाती हैं वो, जिससे जो भी हीट है वो बॉडी के बाहर नहीं जा पाती। और इस तरह से ये पूरी एक होम्योथर्मी की प्रोसेस को मेंटेन करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मो रेगुलेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, कुछ एक्सक्रीशंस हैं
मतलब कुछ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हैं, कुछ सॉल्ट्स हैं बॉडी में, जो कुछ यूरिया का फॉर्मेशन हुआ है वो स्वेट के साथ बॉडी के बाहर निकाल दिए जाते हैं। कुछ जो मरीन फिशेस होती हैं इनमें स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, जो कि जिन्हें हम क्लोराइड सिक्रीटिंग सेल्स कहते हैं या सॉल्ट सिक्रीटिंग सेल्स के नाम से भी जानती हैं। तो ये मरीन फिशेस यानी समुद्र में रहने वाली मछलियों की बॉडी में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स एंटर कर जाते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम करती हैं, ताकि उनकी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस प्रॉपरली बनी रहे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है शेडिंग, शेडिंग या एक्डाइसिस, जैसे कि स्किन का रिमूवल हम कहते हैं। जैसे स्नेक में आपने देखा है एक्डाइसिस की प्रोसेस होती है, वो अपनी स्किन को पूरी तरह से रिमूव कर देता है, एक्चुअल में एनुअली वो रिमूव करता है। तो इसमें बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जो कि इसके साथ रिमूव कर दिए जाते हैं, तो ये प्रोसेस भी स्किन के थ्रू कंप्लीट की जाती है। अब बात करते हैं हम सेंसेशन की। तो सेंसेस जो भी सारे के सारे सेंसेस हैं, चाहे वो मॉइस्ट का हो, हीट का हो, टच, पेन, या किसी भी टाइप के चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, वो हम स्किन के थ्रू ही कैप्चर किए जाते हैं। अगर ये सब चीज़ें ना हो तो एनिमल अपनी बॉडी और ब्रेन के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर पाएगा, अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट की ओर, दैट इज सेक्सुअल सिलेक्शन। जो भी ब्रिलियंट कलर की स्किन वाले एनिमल्स होते हैं, या जनरली मेल की हम बात करें, या जिनके एंटलर्स अट्रैक्टिव होते हैं, या उनके पीकॉक की अगर हम बात करें तो उसमें जो लॉन्ग टेल कवर्ड्स होते हैं, ये सारे के सारे रीजंस होते हैं मेटिंग सेलेक्शन के लिए। यानी ये सारे के सारे जो मेल्स होते हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और ये साथ ही साथ ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मेल्स को आइडेंटिफाई करने का काम भी करता है। इसके अलावा ये फीमेल्स को मेटिंग के लिए अट्रैक्ट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि स्किन के कारण ही यहाँ पर हो पा रहा है। तो ये भी स्किन का एक। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये इसमें सारे के सारे मिसेलेनियस कैरेक्टर आ जाते हैं। तो स्किन में कितने सारे और मिसेलेनियस फंक्शंस होते हैं, इसके पहले पॉइंट में विटामिन डी के बारे में मेंशन किया गया है कि जो सीबम होता है वो यूवी रेस को एब्जॉर्ब करके विटामिन डी में कंजर्व करके बॉडी को प्रोवाइड कर देता है। थर्ड सेकेंड पॉइंट्स में ब्रूड पाउचेस के बारे में मेंशन किया गया है, जो स्किन से बने ब्रूड पाउचेस होते हैं कुछ फिशेस और एम्फीवियंस में, जो कि अनहैच्ड एग या यंग वंस को भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये हम ऑलरेडी पेरेंटल केयर इन एम्फीवियंस में डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड आता है नेजल ग्लैंड्स। नेजल ग्लैंड्स जो कि स्किन का ही फॉर्म है, इसके अंदर की जो लाइनिंग है, लेयर है, वो स्किन का ही एक फॉर्म है। वो कुछ ऐसे सिक्रीशंस को करती है जिससे जो नॉस्ट्रिल है हमारी, उसमें वाटर डर्ट आकर के ट्रैप हो जाते हैं, बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है एम्फीवियंस की। तो एम्फीवियंस में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन पाया जाता है, यानी त्वचीय श्वसन पाया जाता है, जिसके कारण त्वचा का इनमें बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो स्किन जो है हमारे सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन को शो करती है, यानी कुछ पर्टिकुलर थिंग्स को या पर्टिकुलर केमिकल्स को ही ये बॉडी के अंदर एंटर करने के लिए इजाज़त देती है, अदरवाइज वहाँ पर कुछ भी एंटर नहीं कर सकता है। और सबसे लास्ट पॉइंट में जो कुछ लार्वल फॉर्म्स होते हैं फिशेस और फ्रॉग्स के, उनमें स्पेशल टाइम के एंजाइम्स को उस पर्टिकुलर पीरियड में परफॉर्म करने के लिए बनाने का काम भी ये करते हैं। अदरवाइज क्योंकि लार्वल फॉर्म्स ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, तो उनमें एंजाइम्स वगैरह की थोड़ा सा कमी होती है। ठीक है, अंदर थैंक यू, हैव एन ऑसम डे अहेड।